का प्रॉब्लम है क्या है लोगों का वाई इज एवरी वन लाइक सुपर कन्फ्यूज इन डिप्रेस ना उनको पता नहीं है कि मतलब जिंदगी का मकसद क्या है किससे पूछ रहे हैं सो में से शायद एक दो को पता होगा कि द पर्पज ऑफ लाइफ एंड मैं वो ये नहीं कर रहा ऐसे तो बहुत सारे मिलेंगे हाँ हमें पता है समझ गई फिर आप कहेंगे ओके एक्सप्लेन करें क्या है आपका पर्पज तो बस फिर उनके जो ब्रेन के जो सोचने की है वो चिड़िया की तरह उड़ जाएगी क्योंकि फिर अच्छा ये यू वैसे द रीजन वी आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस हम लोगों ने मल्टीपल पर क्रिएट कर लिए इंसान एक ही है मगर उसके चेहरे बहुत सारे बन गए हुए क्या होता है बढ़ जाता है है अब आप जब आप जब बात है, घर वालों में है, आप एक पर है बाहर जाते हैं उसको कुछ चेंज आप कुछ छुपा रहे हैं ना कुछ छुपा रहे हैं आप या कुछ एक ऐसी चीज़ दिखा रहे हैं जो आप नहीं है बातों भी भाई आप अपने जब घोर दें तो आपको फील होगा कि आप कहते कुछ हैं सोचते कुछ है और अमल कुछ तीसरा ही हो रहा होता है ये सारी वो चीज़ें हैं जो रूट कॉज है इंसान की बेसकूनी की उसके कल में इतमान ना मिले साथ की हदीस है जिसने धोखा दिया हम में से नहीं है तो इससे बड़ा हो सकता है कि इंसान अपने आप को धोखा देना शुरू कर दे आप वो अपने आप को करना शुरू कर दें जो नहीं है या आप कहीं बाहर जाते हैं और आप एक ऐसा परसोना कैरी करते हैं जो कि आप रियल में नहीं है मगर आप कैरी करें तो यह भी धोखा है

इस पे ध्यान दो कि क्या भेज रहे हो आगे कल के लिए अल्लाह ताला के सामने खड़ा होना पड़ेगा जो अपने रब के सामने होने से डर गया, उसके लिए दो जन्नत है और मत हो जाना उन लोगों की तरह जिन्होंने अल्लाह तला को बुला दिया क्या मतलब भुला दिया अल्ला को कैसे भूल सकते हैं हम जुबान से तो कहते हैं अल्लाह है, मना बुलाना ही होता है जब आप वो अलमल कर रहे होते हैं जो के खिलाफ है और आपको बेशक आप जुबान से लाख बार कहते हैं हमें पता है हमने जाना है मगर आप फिर भी वो अमल कर गुजरते हैं तो आपने अल्लाह तालू को बुला दिया उस टाइम को बुलाया कि जब आपने खड़ा होना है क्योंकि जब ये ख्याल आप पर इतना हावी आ जाएगा तो आपकी जरूरत नहीं हो सके कि आपको ऐसा काम कर सके हाँ प्राइवेसी में हो या पब्लिक में हो जो अल्लाह तौला के अहकाम की खिलाफवर्जी करेगा जब आपको यकीन आ जाएगी वहाँ पे उस दिन मुझे इसकी जवाबदेही करनी है तो अल्लाह ने फरमा उन लोगों की तरह मत होना क्योंकि उन्होंने अल्लाह तला को बुला दिया उन्होंने यह अहकाम की पैरवी की अब उसका रिजल्ट क्या हुआ फैन साहू मन तो हमने उन्हें उनकी जात बुला दी यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उनको उनका अपना आप भी बुला दिया ये, ये यहां। आप या तो अल्लाह ताला की तरफ आएंगे या तो दूसरी तरफ जाएंगे इस तरफ आएंगे अल्लाह ताला की तरफ आएंगे तो नमतें रहमतें खुशी इतमान और सुकून और ये दूसरी तरफ जाएंगे तो उसके बर खिलाफ है उसके बर खिलाफ क्या रंज गम सितम बेसकूनी लैकिन गुमराही ये तो जारी बात है अब आप मुंह से बेशक जो मर्जी की आप अपने अमल में देखिए अपनी नीयत में देखिए कि अगर आप अल्लाह ताला की तरफ आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में इतमी आएगा सुकून आएगा खुशी आएगी आपको दिल की वो तस्किन मिलेगी अब दूसरी तरफ जाएंगे तो आप उसके खिलाफ जो वो सारी आती जाएंगी फैन साउे बहुत सारे दोस्त है जो जानने वाले हैं फैमिली मेम्बर है बहुत सारे लोगों की अप्रोच हुई मेरे तक और उन्होंने एक चीज का इजहार किया जिससे मुझे खुशी भी हुई कि क्या बात है रिजवान आप एकदम दम हो गए हो वीडियो नहीं कोई वीडियो भी नहीं आया मैसेज भी नहीं आया तो एक ख़ुशी भी बड़ी हुई और फिर जनरल पूछा उनसे मैंने पूछा कि जो अभी तक वीडियो आई थी उस पर कुछ फ़ायदा हुआ उसका तो देखिए मैंने सोचा एक वीडियो अब बना देनी चाहिए थोड़ा सा वाकई ज़्यादा टाइम हो गया द थिंग इज़ दिस मैं थोड़ा सा किसी चीज़ के तफक् के एनालिसिस से गुजरा था रिसर्च आई वाज पॉन्ड्रिंग ओवर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड तो ये बेसिकली उससे कुछ पर्टेन भी करता है रिलेटेड भी है कि मैं अभी कुछ गौरव फिक्र के बाद मैं थोड़ा सा उसको डीपली एनालाइज कर रहा था कि आजकल का प्रॉब्लम है क्या है लोगों का वाई इज एवरी वन लाइक सुपर कन्फ्यूज एंड डिप्रेस्ड एंड ना उनको पता नहीं है कि मतलब जिंदगी का मकसद क्या है किससे पूछ रहे हैं आप दस में से शायद दस भी शायद मैंने कर दी है सौ में से शायद एक दो को पता होगा कि द पर्पज ऑफ देयर लाइफ एंड मैं वो ये नहीं कर रहा ऐसे तो बहुत सारे मिलेंगे हाँ हमें पता है समझ समझिए फिर आप कहेंगे ओके एक्सप्लेन करें क्या है आपका पर्पज तो बस फिर उनके जो ब्रेन के जो सोचने की सलाहियत है वो चिड़िया की तरह उड़ जाएगी क्योंकि फिर अच्छा ये यूं ऐसे वैसे वो तो उस पर्टिकुलर माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि वो क्यों है लाइक like, वाई ऐसा लोगों के अंदर मतलब ऐसी एक जिंदगी में तबीयत में एक ऐसी चीज़ आ गई है कि उनको मतलब जिंदगी एक बड़ी अल्लाह ताला की ज़बरदस्त नेमतों में से एक सबसे बेहतरीन नेमत जिंदगी ये जिंदगी नहीं है तो आप किसी और नेमत को एंजॉय नहीं कर सकते हो मगर इंसान अब ऐसा बेफिक्री और गफलत में ऐसा पड़ा है कि उसको अपनी जिंदगी का ख्याल ही नहीं है तो इसका रीज़न क्या है तो मैंने बहुत सारा जब यू नो स्टार्टेड ओवर दिस बेसिकली इसका रीज़न ये है कि आज के टाइम पे जिसमें मौजूदा दौर के टाइम पे खैर मैंने जब इसको ज्यादा डीपली किया था तो ऑफकोर्स इसमें नो शुरू से ही कदीम टाइम से भी आज तक और आगे तक भी ऐसा ही होता रहेगा मगर आज कुछ थोड़ा ज्यादा है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है द रीज़न वी आर सफरिंग फ्राम स्ट्रेस एंड डिप्रेशन इज़ बिकॉज हम लोगों ने मल्टीपल पर क्रिएट कर लिए हुए इंसान एक ही है मगर उसके चेहरे बहुत सारे बन गए हुए आप फैमिली में होते हैं तो आपका एक किस्म का चेहरा और एक किस्म का परसोना होता है। जब आप अपने दोस्तों में जाते हैं तो आप एक different 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 एक डिफरेंट 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 चेहरा होता है आपका फिर जब आप अपने वर्क रिलेटेड कलीग्स के साथ मिलते हैं तो एक तीसरे किस्म का परसोना होता है आपका और फिर जब आप अपने यू नो सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं तो फिर उसमें उससे भी बिल्कुल अलग एक और ही किस्म का परसोना होता है अब इंसान एक है दिमाग एक है जिसम एक है रूह एक है समझ आइए मगर उसके हमने मल्टीपल क्रिएट कर दिए अब क्या होता है अब आप उसी को मैच करने में आपका सारा ध्यान कुवत जो आपकी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मतलब जो एबिलिटीज और वो रिसोर्सेज सारे इसी में एग्जॉस्ट कर जाते हैं अभी तरह ओ अब ऐसे करना है वैसे बिहेव करना है वैसे बिहेव करना है ऐसे बेहेव करना, करना है और इन चीज़ों से इंसान को टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो निकले और अपनी उन कोताइियों को हम हाईलाइट करें अपनी वो मिस्टेक्स वो वीकनेसेस जिनकी वजह से हमारी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम आती है हमको डीपली एनालाइज करें सेल्फ एनालिसिस करें इन वर्डली उसको अपनी ज़ात में देखें और क्या और उसकी इतना करें ताकि हम उससे अपनी जिंदगी में बेहतरी ला सकें उस अमल से गुजरने के बाद मगर क्योंकि सारा फोकस ही मतलब वो बस परसोना विच इज़ लाइक अपोजिट ऑफ इज टू बी डन जब आप जारी बात है घर वालों में है आप एक पर सोना है बाहर जाते हैं उसको कुछ चेंज करते हैं आप कुछ छुपा रहे हैं ना कुछ छुपा रहे हैं आप या कुछ एक ऐसी चीज दिखा रहे हैं जो आप नहीं है जॉब पे जाते हैं तो वहां पे कुछ आप छुपाते हैं तो एक डिफरेंट किस्म का हेड चेंज कर लेते हैं कभी पीछे करके पहनते हैं कभी सामने करके पहनते हैं कभी सक पे करके पहनते हैं तो लेकिन वो फिर बातों में भी आप अपने जब गौर दें तो आपको फील होगा कि आप कहते कुछ हैं सोचते कुछ है और अमल कुछ तीसरा ही हो रहा होता है ये सारी वो चीज़ें जो रूट कॉज है इंसान की बेसकूनी की اس کے قلب میں اطمینان نہ ملنے کی اب کیوں اللہ تعالی کے ذکر میں اللہ تعالی نے قران پاک میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين امنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب کہ جو لوگ ایمان لے ائے رائٹ وتطمئن قلوبهم بذكر الله اور ان کے دلوں کو اطمینان ملا اللہ کے ذکر کے ساتھ الا بذكر الله تطمئن القلوب کہ نہیں ملتا اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کا اطمینان तो अब ये जो सेकंड कलमा है ये पीछे वाले मतलब जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर स्ट्रेस भी है एम्फेसिस भी है और दूसरा जिस बंदे ने अल्लाह का जिक्र किया होगा जिसने फ्रूट खाया होगा उसको ही पता होगा ना सेब का जायका कैसा है एप्पल कैसा टेस्ट होता है मैंगो खाया हुआ है तो उसका क्या टेस्ट है तो उनसे भी अल्लाह तरह कि आपने यू हैव ऑलरेडी ट्राइड टेस्टेड इट इट यू नो इज सो जब आपको पता है कि उसमें इतमेनान है तो फिर आए और इससे क्या होता है अल्लाह का जिक्र क्या है जारी बात है जब कुरने पाक पढ़ेंगे तस्पीहत पढ़ेंगे तो आप फिर मुनाफ्त नहीं करेंगे धोखा नहीं करेंगे अपने साथ और की हदीस है मनगशा फल से मिलना जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है तो इससे बड़ा क्या धोखा हो सकता है कि इंसान अपने आप को धोखा देना शुरू कर दे आप वो अपने आप को तस्वूर करना शुरू कर दें जो नहीं है या आप कहीं बाहर जाते हैं और आप एक ऐसा परसोना कैरी करते हैं जो कि आप रियल में नहीं हैं मगर आप कैरी करें तो ये भी धोखा है अपने साथ भी दूसरों के साथ भी तो इसलिए ये चीज करना छोड़ें आप जो हैं वो बने जो मैं हमेशा एक बात करता होता हूँ कि नेक बने नहीं नेक हो जाए अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप नेक हैं या नेक बनते हैं आप अपने जाहिर और बातनी मतलब जो एक आप दिखा रहे हैं और एक जो अंदर के मामला होते हैं आपकी सोच के जो जो आपका जो आपका प्रोसेस बिहाइंड जो वर्ड्स उस पर जब आप गौर देंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या उनमें मवाफकत है सिंक्रनी है इन बैलेंस इन लाइक यू नो इन अकोर्डेंस विद वन अनदर और ओवर डिस्क्रेपेंसी है कॉन्ट्रोडिक्शन है अगर ये चीजें आपको मिलती हैं देन यू नो कि यू आर गोइंग थ्रू जिसको हम कहते हैं तो मल्टीपल फेस भी, हो गया भी. So, उन को हाई लाइट करें और देखें और अपने आप को एक और मुझे पाकि आयत याद आ गई है, है और बड़ी खूबसूरत प्यारी आयत है बल्कि मैं ये इससे पहले पीछे रकूस से ही शुरू करता हूँ वो ज्यादा आ, मतलब जो है इस आयत का समझ आएगा क्योंकि कलाम ईमान वालों से अल्लाह तरमा रहे हैं क्या फरल आउर बिस्मिल اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغت اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم

के सामने, जब आप खड़े होंगे जवाब देना पड़ेगा वो टाइम जिसको उस दिन जो आप उसको जाहिर करें या उसको छुपाएं याद रखना आपसे इनका हिसाब लेगा जो आप, आपके अमाल के पीछे जो आपकी नीयत है आपकी सोचें आप उनको जाहिर करें ना करें

तो आपकी जरूरत नहीं हो सके कि आप आपको ऐसा काम कर सके खाप प्राइवेसी में हो या पब्लिक में हो जो अल्लाह ताला के अहकाम की खिलाफवर्जी करेगा जब आपको यकीन आ जाए कि वहां पे उस दिन मुझे इसकी जवाबदेही करनी है तो अल्लाह ताला तरमा उन लोगों की तरह मत होना क्योंकि उन्होंने अल्लाह तक बुला दिया उन्होंने की पैरवी नहीं की अब उसका रिजल्ट क्या हुआ फैन साहू मन तो हमने उन्हें उनकी जात बुला दी यहाँ पे जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने उनको उनका अपना आप भी बुला दिया ये यह यहां पर कहने का मकसद है कि अल्लाह ताला ने कायनात का ऐसा सिस्टम रखा हुआ है आप या तो अल्लाह ताला की तरफ आएंगे या तो दूसरी तरफ जाएंगे इस तरफ आएंगे अल्लाह ताला की तरफ आएंगे तो नियमतें रखमतें खुशी इतमान और सुकून और ये है दूसरी तरफ जाएंगे तो उसके बर खिलाफ है उसके बरखिलाफ क्या रंज गम सितम बेसकूनी लकिनो गुमराही ये तो जाहिर बात है अब आप मुंह से बेशक जो मर्जी की आप अपने अमल में देखिए अपनी नीयत में देखिए कि अगर आप अल्लाह ताला की तरफ आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में इतमान आएगा सुकून आएगा खुशी आएगी आपको दिल की वो तस्किन मिलेगी आप दूसरी तरफ जाएंगे तो आप उसके बरखिलाफ जो चीजें वो सारी आती जाएंगी सो ये है फैन साहम ये अल्लाह का एक डील दुनिया में ठहराया हुआ एक निज़ाम है इस आलम दुनिया में आलम इसबाब में ये जो भी काम करेगा वो सुकून पा जाएगा यहां तक तो इसमें तो मैं आपको जाते जाते ये भी बताऊँ अल्लाह ताला ने जो दुनिया का निजाम है इसमें तो ये शर्त भी नहीं रखी कि आपको ईमान की हालत में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए मिसाल के तौर पर एक अगर कोई नो no अगर वो अच्छे काम करेगा जानबूझकर या मतलब गैर जाने बूझे मिसाल के तौर पर किसी को पता है कुरान में लिखा अल्लाह है वो करता है और एक अल्लाह उसको पढ़े ही नहीं कभी इतिहास नहीं पढ़ा मगर वो अच्छे काम करेगा जो कुरान में फायदा मंद है उनके लिए राहत का सब बनते हैं तस्किन का सब बनते हैं ना के मतलब उनके लिए तकलीफ और उनके लिए सितम का सबब बने तो ऑटोमेटिकली उसको बगैर मांगे भी अल्लाह तला की नियमतें मिलना शुरू हो जाएंगी ये ऐसा कानून है उस सुबहाना हुआ था बारी तला का तो हमें जिनको अल्लाह तला ने ये नियमित और ये उन पर नो ऐसी अल्लाह ताला की रहमत है कि हमें मुसलमान घरानों में पैदा किया है कुरान पाक सुनते पढ़ते बड़े हुए हम अदीस रसूल वसलम की सीरत सुनते पलते बड़े हुए हैं मगर प्रेक्टिकलिटी में अल्लाह ताली हमें मोर उसमें ज़्यादा बढ़ाए और इस दे वो है नहीं है मतलब हम उसको हमने मतलब वो कहते कह रही है वीडियो लंबी हो जाएगी तो कहने का मकसद मेरा सिर्फ इतना सा था कि यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने बताया तयासा कि फिर क्योंकि उन्होंने अल्लाह को बुला दिया इसलिए जो अल्लाह ताला का ठहराया हुआ एक निजाम है उसके मुताबिक वो अपने को भी भूल जाएंगे इसका मतलब है कि यही वो फास्कून होते हैं वो लोग जिसको इंग्लिश में उर्दू में हम कहते हैं ना फर्मा बरदार अब ये फासिकून की क्या मतलब है इनके पास नियमित थी इनको पहचान थी इन्होंने वो फ्रूट चखे इनको मजा आया इन्होंने फिर जान बूझ कर अपने दुनियावी करीब फायदा के लिए अपने लिए बेहतर चीज को छोड़कर बदतर चीज को पसंद की है दुनिया पसंद की मिसाल के तौर पे मुनाफा नजर आ रहा है कोई प्रॉफिट आ रहा है मगर दिल में खटक रहा है वो प्रॉफिट यार ये शायद जायज नहीं है हक तल्फी हो रही है उसकी मगर आपने दिमाग की आंख बंद की और इस हाथ से वो ले लिया अमल आप बार बार रिपीट करते जाएंगे आपकी फितरत बन जाएगी तो आप फिर फासिक होना शुरू हो जाएंगे आप कहेंगे तो दिन की बातें सुनाएंगे दिन की बातें मगर साथ साथ अपनी पकड़ पकड़ के पॉकेट भी गर्म करते रहेंगे नवाज शरीफ शबाज़ शरीफ वो को काफ़िर नहीं है वो भी कलमा गो हैं वो भी नमाजें पढ़ते हैं वो भी अल्लाह का डर रखते हैं उन्होंने भी मरना है मगर अकाउंट भरी भरी जा रहे हैं और गफलत में पड़े हुए कि पता नहीं कबर में साथ लेके जाएंगे या यही माल इनका क्यामत को बख्शवाएगा जिसका अल्लाह तैयार ने कहा क्या के दिन से पूछा जाएगा तो ये कहेंगे अल्लाह तला पूछेंगे कि क्या आज तुम्हें पूरी दुनिया जितना माल दे दिया जाए तो क्या तुम मतलब वो दे के अपनी जिंदगी बख्शवाना चाहोगे वो कहेंगे बिल्कुल यार अब लेकिन जितना भी माल हो हम उससे ज्यादा करके और उससे दो गुना दे के भी अपने आप को बख्शवाना चाहेंगे तो अल्लाह तला फ़रमाएंगे सुभान व तआला कि मैंने तो इससे बहुत कम मांगा था तुम्हारे से जब तुम्हारे पास टाइम था इसी माल को तुम कट्टे इकट्ठा करते रहे इमेजिन पूरी दुनिया जो ग्लोब है हमारा वो सोना बन जाए इतना सोना किसी के पास आ जाए ना दो तो तीन बेच देता है तो वो पूरी दुनिया और वो कहेगा कि मैं हाँ वो भी दे के अपनी जान बचवाना चाहूंगा आज तो अल्लाह ताला फरमाएंगे मैंने बड़ा थोड़ा मांगा था सिर्फ आप कोशिश करते मुझे चूज करते अपने इरादों में और आज यहाँ पे नहीं होते आप जन्नत में होते आज जिस माल के पीछे भागते रहे जो गोल्ड इकट्ठा करते रहे जो दुनिया इकट्ठी करती कर, करते रहे आज तो वो भी अगर होती भी तो भी नहीं बच सकते उससे मिल जाए तो भी देने के लिए तैयार हो तो इसलिए अल्लाह ताला हम सबको हमत इल्म और हदायत आता फरमाए और अपने लिए दुनिया और आखरत की फ़िक्र अतः फ़रमाए कि इंसान इस दुनिया में रहते हुए ज़िंदगी यकीन एक बड़ा कठिन एक बड़ा सख्त इम्तहान है अल्लाह ताला हम सब पर अपनी और रहमत और करम नाजुल फरमाए और हमें यहाँ पे रहते हुए अपनी कोताहियों की असलाह करने की और हमें वो आमाल करने की तोफ़िक़रए कि जब हमारा यहाँ से इंतकाल रुखत का टाइम हो अगले जहान में बरज़ में अल्लाह तला से मुलाकात के लिए जब हमें क्यामत के रोज़ जब पेश किया जाए तो हम उस हालत में हो कि जिसमें अल्लाह तम से राजी हो और हम अपने रब सुबह व से राजी हो واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم <applause>